वहीं धार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिले भर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, वहीं स्कूल कॉलेज निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। आज स्पार्क्स और सवर्णों ने किया बंद का आह्वान, बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है पूरी तरीके से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धार में भी बंद, स्पार्क्स और सवर्णों ने किया बंद का आह्वान, जहां स्कूल कॉलेज और कई जगह छुट्टी दे दी गई है। धार जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले भर में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां स्कूल कॉलेज निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं। होशंगाबाद होशंगाबाद में भी जिले भर में बंद कर दिया गया है। होशंगाबाद, पिपरिया और सोहागपुर में बंद का असर देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होशंगाबाद से जहां जिले भर में बंद का असर देखने को मिला, होशंगाबाद, पिपरिया और सोहागपुर में बंद का असर देखने को मिला। निजी स्कूल सहित मुख्य बाजार भी बंद हैं। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में एससीएसटी एक्ट के विरोध में बंद के समर्थन में व्यापारी भी फूट पड़े हैं और कई दुकानें बंद हैं। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। निजी स्कूलों सहित मुख्य बाजार भी बंद हैं। आज होशंगाबाद में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत बंद के समर्थन में व्यापारी भी कूद पड़े हैं। दुकानों पर लगाए बंद के समर्थन में पोस्टर, दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। बंद को लेकर भारत बंद के समर्थन में व्यापारी कूद पड़े हैं। एससीएसटी एक्ट का विरोध करता हूं कहकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। व्यापारियों ने खुद अपनी दुकानों पर बंद के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। भारत बंद के दौरान बाजार को बंद करने की अभी तक किसी संगठन ने घोषणा नहीं की है, लेकिन बंद को लेकर पुलिस सतर्क है। पूरे जिले में पुलिस का गश्त प्लान बनाया गया है। भारत बंद के समर्थन में व्यापारी भी कूद पड़े हैं। दुकानों पर पोस्टर लगाया है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि एससीएसटी एक्ट का विरोध करता हूं। बता दें कि कई राज्यों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जिलों में भारत बंद का असर देखने को मिला। दुकान पर बंद के पोस्टर लगा दिए गए हैं और उन पोस्टरों में लिखा है कि एससीएसटी एक्ट का विरोध करता हूं। भारत बंद के समर्थन में अब व्यापारी भी कूद पड़े हैं। दुकानों पर बंद के समर्थन में पोस्टर लगाया उन्होंने। और ये भोपाल से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं भोपाल के पुलिस हेडक्वार्टर पर। आप देख सकते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर का ये नजारा है। यहाँ पर अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आज के बंद को लेकर पूरी की पूरी सख्त सुरक्षा व्यवस्था की सारी मॉनिटरिंग यहाँ से की जाएगी। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी बैठकर जिलों के एसपी और कलेक्टर्स के साथ में समन्वय करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात ना हो इसकी जानकारी रखेंगे। इसके साथ में यदि किसी प्रकार की अप्रिय वारदात या किसी हिंसक घटना की जानकारी आएगी तो सबसे पहले यहीं आएगी और यहां से वो जानकारी सीएस के ऑफिस में यानी मंत्रालय में और इसके अलावा सीएम हाउस में भी भेजी जाएगी। बात करें अगर पुलिस बल की तो पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 5000 के लगभग एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग जिलों में डिप्लॉय की गई हैं। इसके साथ में जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम इस बार किए गए हैं। पिछली बार बंद के दौरान मुरैना, भिंड या इसके अलावा कई अन्य जिलों से कुछ कैजुअलिटीज की सूचना आई थी, उसको लेकर सरकार इस बार बेहद सजग है और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे में पुलिस मुख्यालय की बनती है, तो पुलिस मुख्यालय में इस बार बेहद सख्त इंतजाम किए गए और डीजीपी खुद यहां पर मॉनिटर कर रहे हैं मिनट टू मिनट सभी जिलों की स्थिति को। अगर हम बात करें आपत्तिजनक पोस्ट या भड़काऊ कमेंट्स करने वालों की तो उन पर भी लगाम लगाना सरकार के लिए
कठिन चुनौती रहा है, लेकिन इस बार पुलिस अधिकारियों ने यह तय किया है कि साइबर एक्सपर्ट्स की मदद इस बार ली जाएगी और ऐसे में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा साइबर एक्सपर्ट्स भोपाल में यहाँ PHQ में और इसके अलावा राज्य के साइबर सेल में मौजूद रहेंगे, जो कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक कमेंट्स या पोस्ट आने पर संबंधित व्यक्ति की जानकारी संबंधित जिले के SP को देंगे और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में होने वाले इस बंद को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। सड़कों पर पुलिस दिखाई दे रही है, लगातार कई जिलों में फ्लैग मार्च हो रहे हैं और यदि जरूरत पड़ेगी तो कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की जाएंगी। फिलहाल अभी सुबह की जो परिस्थिति है उसके मुताबिक अभी तक कोई ऐसी जानकारी, ऐसा कोई इनपुट पुलिस मुख्यालय को नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे पुलिस की चिंता की लकीरें जाहिर तौर पर बढ़ती जाएंगी, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की अपनी वारदात की सूचना आई तो चुनावी बेला में ना तो सरकार के लिए सही है और ना ही सत्ताधारी दल के लिए। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ नितिन साहनी, जनतंत्र TV के लिए।